कुछ नहीं होगा उसको। मैं इसका मेरे बेटे की चीरफाड़ मत करवा। मैंने बोले बच्चे मेरे बच्चे के दाम। मैं इस वक्त पहुंचे तो उत्तर प्रदेश नोएडा निठारी हॉस्पिटल के निठारी के पास जो बाल चिकित्सा हॉस्पिटल है वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ राज के द्वारा एक शिशु की मौत हो गई है और उनके परिवार वालों का कहना है कि अस्पताल की प्रशासन की वजह से उनके शिशु की मौत हो गई है। उन्होंने 23 फरवरी को अस्पताल में बच्चे को एडमिट कराया था, तक जहाँ उन्हें बुखार बताया गया था, बच्चे को एडमिट तब कराया गया था। उसी दौरान आज 3 मार्च शाम को अचानक बच्चे की मौत हो जाती है। जब परिवार वालों से बात हुई तो परिवार वालों ने बताया कि 3 मार्च को बच्चा लगभग सुबह से शाम तक सही था, खेल रहा था, हंस बोल रहा था, खाना पीना खा रहा था। इसी दौरान शाम के रूटीन के हिसाब से जब शाम को जब चेकअप होता है तो अस्पताल के स्टाफ आते हैं और उस बच्चे की उसकी सेहत को चेक करते हैं, देखते हैं कि बुखार है या नहीं है। उसी दौरान बच्चे को एक इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देने के बाद कुछ ही समय के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है, जहां उनके परिवार वालों का कहना है कि बच्चे की जो मौत हुई है उस वक्त बच्चे की बॉडी अकड़ने लगी थी, मुंह से और नाक से ब्लीडिंग आई थी, उसके बाद बच्चे की मौत हो गई है। और उसके बाद जब बच्चे की मौत होगी तो आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल हो गया है कि आसपास के रहने वाले और उनके जो बच्चे के परिजन हैं, परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने तमाम शोर शराबा किया, जहाँ पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए मौजूद हो गई है और बच्चे को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेज दिया है ताकि पता चल सके बच्चे की किस वजह से मौत हो चुकी है। नहीं होगा, उसके पास पैसा है, वो रिपोर्ट बदलवा देगा, पैसे देके रिपोर्ट झूठी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सही करेगा। पैसे देके भैया बहुत कुछ हो जाता है, इसकी रिपोर्ट सही नहीं आने की है। मेरे बेटे की चीरफाड़ मत करवा। मैंने बोले बच्चे मेरे बच्चे के दांत बच्चे को देखते जीते, वो फाइल में इंजेक्शन का नाम लिखा होगा, जो फाइल बदल चुकी होगी अब तक, वो फाइल तो सब कुछ बता देगी। वो फाइल को वही फाइल लेके आ जाओ, उसमें इंजेक्शन का नाम लिखा है, जहर नहीं दिया, इंजेक्शन गलत लगा है, जो इंजेक्शन नहीं देना था वो इंजेक्शन दिया है मेरे बेटे को। 2 मिनट पहले मेरे बच्चे ने दूध पिया है, वीडियो देख रहा था, इंजेक्शन लगाते ही मेरा बच्चा बेहोश हो गया, अकड़ गया था, आंखें बाहर आ गई और उसके मुंह में से खून आया है। इंजेक्शन ने नुकसान दिया, मैं ये नहीं कह रही जहर का था, गलत इंजेक्शन था। जब बुखार का नहीं दिया तो एंटीबायोटिक देने की क्या जरूरत, फीवर भी नहीं था उसको, उसे फीवर भी नहीं था, क्यों दिया था वो इंजेक्शन, इंजेक्शन गलत लगा है और वो बदल दिया जाएगा फाइल में, क्या होगा इसका, कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा कह रहा मम्मी बचाओ, ऐसे ही कहता था जब इंजेक्शन लगता था तब, मम्मी बचाओ, इतना कह रहा है बच्चा, उंगली से चला रहा है उसको, वीडियो देख जब चला रहा था, कार्टून देख रहा था, अपनी उंगली से उसे आगे पीछे कर रहा था, वो बच्चा 2 मिनट में मर गया, क्या हुआ, ऐसे अटैक पड़ा है क्या ऐसे। आप देख सकते हैं ये मामला बाल चिकित्सा हॉस्पिटल का है, जहाँ अस्पताल के लापरवाही की वजह से, घर वालों का कहना है कि अस्पताल के लापरवाही की वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई है। अस्पताल वालों ने बच्चे को जो अस्पताल के प्रशासन ने बच्चे को जो अस्पताल के लोगों ने इंजेक्शन दिया है वो ओवरडोज होने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है, जिस कारण उन बच्चे के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा दुख में नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस वक्त बच्चे के जो कागजी कार्रवाई है पुलिस प्रशासन ने पूरा कर लिया और बच्चों को हो सकता है कहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे कि असली वजह क्या थी बच्चे की मृत्यु होने की। नोएडा के एक जिला अस्पताल में जहां एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, मौत होने की क्या वजह है, मेरे साथ उनके पिता खड़े हुए हैं, उनके पिता मुझे सारी बातें बताएंगे। अजय जी, क्या मामला था पूरा? मामला 23 तारीख को मैंने एडमिट किया जी, और आज तक पहली बात तो डेली पर डे 1-2 मर रहे हैं, और दूसरी बात इनसे कहने जाओ कि भैया बच्चे को देख लो तो यूँ कहते हैं हमें खरीद लिया है तुमने। तो आपके जो बच्चे को एडमिट कराया गया था वो 23 फरवरी के डेट थी, वजह क्या थी एडमिट कराने की जी? उसके बाद बस इलाज चलने लगा और रोज रिपोर्ट एक पर डे 2-3 जाँच होती थी।
रिपोर्ट में ऐसी कुछ वजह थी जिसमें बताया चला हो आपको? बताते नहीं है। कारण क्या था? निकला था बस यहाँ से। लोग कहाँ से निकला? किडनी की तरफ से पानी निकला था या पेट से? उसके बाद क्या रहा आगे का मामला? आगे का मामला इनकी सारी लापरवाही नहीं है। 5 बजे शाम को गोद में मेरा बच्चा अच्छा खासा खेल रहा था, कोई बुखार था आया नर्स। आज शाम 5 बजे का मामला आप बता रहे हैं जी? इंजेक्शन लगाया पता नहीं कैसा, एक मिनट यहाँ से यहाँ तक गए कार की दूरी तक बच्चा। तो वजह क्या थी बच्चा खत्म होने की आप बताएंगे? उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया ना। किसने इंजेक्शन गलत जो दिया, किसने दिया इंजेक्शन गलत? कंपार्टमेंट। तो अस्पताल के जो है अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? अस्पताल वाले तो ये कह रहे हैं ये तो होता ही है। तो इस वक्त हम जो मौजूद है आप देख सकते हैं कि इनके साथ पब्लिक जो है आक्रोश में है। उनकी जो ये मांग है कि पूरे मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए। बच्चा शिशु जो है किस कारण खत्म हुआ, उसकी वजह क्या थी, ये अभी तक डॉक्टरों ने साफ नहीं करा है। और ये सेक्टर 30 निठारी गांव के पास हॉस्पिटल है, शिशु अस्पताल है, जहां बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार वालों का, बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि हमने 23 फरवरी को बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया था और आज 3 फरवरी हो गई है। शाम के 5 बजे तक बच्चे की हालत बहुत अच्छी बताई जा रही थी, उसके बाद इस अस्पताल के किसी स्टाफ ने इंजेक्शन दिया। स्टाफ के इंजेक्शन देने के कुछ ही देरी में बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर जनता बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। वहीं नोएडा के, उत्तर प्रदेश से नोएडा के जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल सारी बातचीत हो रही है मगर मामला सामने अभी ये नहीं आ पाया कि बच्चे की मौत किस कारण हुई है। आज 3 तारीख तो बच्चे को इन्होंने शाम को 6-7 बजे के बाद इंजेक्शन लगाया है, उसको हैवी डोज दिए। हैवी डोज देने के बाद में बच्चे को क्या कहते हैं उनका 15 से 20 मिनट बाद में बच्चे के मुंह से खून आया है। बीपी इतना हाई हो चुका है और उसके बाद में उसकी आंखें थोड़ी सी बाहर को आ गई, ठीक ना, तो कोई सुनवाई सर। बच्चा 4 बजे तक बिल्कुल अच्छा था, सुबह से डोज देने के बाद, तो उसको डोज देने के बाद में सुबह से खाना पीना सब कुछ खड़ा हंसा खेले सब कुछ सही था, बट उसके बाद में जब बच्चा क्या कहते हैं उसके इंजेक्शन देने के बाद में बच्चे को आधे से पौना घंटा नहीं हुआ है कि बच्चे ना तो उसमें कोई कुछ भी मूवमेंट नहीं है किसी भी तरीके की, ना वो हाथ हिला रहा, ना वो अंदर से कि हाँ जी मेरे को कोई परेशानी हो रही है, ना रो रहा, ना कुछ कर रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। बच्चा हमारा एक्सपायर हो चुका है। वो बच्चे के पास कौन था जब ये इंजेक्शन वगैरह दिया गया? बच्चे के पास बच्चे की मम्मी थी। अच्छा। और हम थे। अच्छा। हम साइड में, हम भी खड़े थे उस टाइम पे। तो उसमें क्या कहते हैं बच्चे जब इंजेक्शन देने के बावजूद फिर क्या कहते हैं किसी से भी कुछ भी चीज पूछते हैं। इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद इन्होंने कहा आई एम सॉरी हमसे नहीं संभलेगा। हम आए तब से 6 बच्चे पहले मर चुके, 7वां हमारा है। अच्छा। हाँ 9वां दिन है आज, 7 बच्चे मर गए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए और जो डॉक्टर है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ ये कहना चाहेंगे और हॉस्पिटल बिल्कुल सील होना चाहिए। बच्चे को आप किस तारीख में लेके आए थे और क्या बीमारी बताई गई? क्या रिपोर्ट में क्या बताया डॉक्टर ने? रिपोर्ट में डॉक्टर बता रहे थे इन्फेक्शन है जी, ठीक है। फीवर था उसको, फीवर था, और हम ये पूछते थे बता दो क्या बीमारी है इसको, हम आगे लेके जाएं। बताइए। उसको सिर्फ तेज फीवर चढ़ता था, बाकी कोई परेशानी नहीं थी। लगातार कितने दिन से बच्चे को यहाँ एडमिट करा के? यहाँ पे 23 तारीख से एडमिट है। 23 तारीख से लगातार एडमिट था। अच्छे, इस जिस दिन जो आज 3 फरवरी है, सॉरी 3 मार्च है, इस वक्त बच्चे की आज के दिन क्या कंडीशन थी? वो 2-3 दिन से मतलब ठीक था, वो खा भी रहा था, उठ भी रहा था, बात भी कर रहा था, चिल्ला भी रहा था, जैसे जिद्दी बच्चे जिद करते थोड़े थे, और कार्टून भी मतलब फोनों में देख रहा था वो। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो बच्चे की मौत हुई? उसने दूध भी पिया, बिस्किट भी थोड़ा सा खाया, खिचड़ी भी खाई, फिर कह रहा मम्मी लेटना है, लेट के वो कार्टून देख रहा था, फिर बैठ के भी उसने अपने अपने हाथ से अपनी पसंद का कार्टून चलाया जी, फिर वो लेट गया। फिर नर्स आई, उसने बोला फीवर चेक करो, फीवर चेक करा तो 99.3 था सिर्फ, फीवर नहीं था उसको 99.5 था, फीवर नहीं था। नर्स आई, उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। मैंने इसके पापा को कहा मन के ये अकड़ रहा है बच्चा, ये देखो इसको क्या हो रहा है, वो चिल्ला रहा मम्मी बचाओ बचाओ बचाओ, वो अकड़ने लगा बिल्कुल ही, ये कह रहे कोई नहीं डर रहा है, ये थोड़ा ऐसे करो, नर्स को बुला के ला, नर्स कर कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वो आई, जल्दी आई भी नहीं वो जी, वो कह रही ठीक है
ठीक है फिर ये भाग के घर और किसी को बुला के लाए बड़ी देर में इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के मुंह से खून आया है। क्या कहना चाहिए आप, ये लापरवाही का मामला है। लापरवाही? अरे ये वीडियो चला चला के काउंटर पे बैठ के वीडियो देखते हैं, ये सुनते थोड़ी ना है। एक को बुलाओ आते ही खाए साले, छह छह बार बुलाना पड़ता है इनको। एक को बुलाओ बुखार आ रहा है बच्चे को, जल्दी आ जाओ। इसी दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। जवाब में क्या? नहीं इन लोगों ने क्या किया, ये लेकर आओ, इतनी दूर भेजा, वो लेकर आओ, वो लेकर आओ, पता नहीं इसको ऐसे दबाते रहे, हम लोगों को हटा दिया वहाँ से जी। उसके बाद फिर क्या? फिर क्या, थोड़ी देर में कुछ नहीं रहा, उसमें हमें भगाते ही रहे। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी से, नोएडा, उत्तर प्रदेश।